नमस्कार, वेलकम टू संजूज होम किचन। आज हम बनाने वाले हैं मसाला चिकन। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन को अच्छे से क्लीन करके रखा है। 4 मीडियम साइज प्याज को मैंने काट के रखा है। 2 बड़े टमाटर को काट के रखा है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। 1 कटोरी दही, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चिकन मसाला पाउडर और खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता 2 लिया है, 2 सूखी मिर्च, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी का। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक को लंबा लंबा पतला पतला काट के रखा है। 1 कटोरी धनिया पत्ता, 1 टेबलस्पून देसी घी, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वाइट पेपर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, नमक स्वाद अनुसार और सरसों का तेल। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। अब हम चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। डालेंगे और हम थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से उसको भून लेंगे। चलाते रहेंगे क्योंकि ये चिकन नीचे से चिपक जाता है। ऐसे ही हम इसको 10 मिनट तक हम हाई फ्लेम में ऐसे चिकन को पका लेंगे। अब ये 10 मिनट हो गया है। अब हम इस चिकन को एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें हम जीरा डालेंगे, तेजपत्ता, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ये हमारा प्याज और टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट बनाए थे वो ऐड कर देंगे। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें कटा हुआ अदरक डाल देंगे। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे।
को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब हम चिकन को ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ऐसे ही मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब ये चिकन अच्छे से पक गया है और ये हमारा चिकन बनके रेडी भी हो गया है। अब हम इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक हम पका लेंगे, तब तक ये चिकन पक भी जाएगा। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। अब ये हमारा मसाला चिकन बनके रेडी है।